व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एच टी एम एल एंड सी एस एस। तो आज हम बात करने वाले हैं एच टी एम एल क्या होता है और सी एस एस क्या होता है, इसको यूज कैसे करते हैं। तो एच टी एम एल किस लिए यूज किया जाता है, ये सिंपली एक वेब पेज क्रिएट करने के लिए किया जाता है और सी एस एस उसको डिजाइन करने के लिए किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट इट। मैं हूँ रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं स्टील लर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एडिटर्स होते हैं, बट हम यूज करेंगे इसके लिए वी एस कोड। सो सिंपली टाइप सीएमपी कोड स्पेस डॉट देन एंटर। तो ये हमारा वी एस कोड ओपन हो चुका है। एच टी एम एल की फाइल क्रिएट करने के लिए सिंपली यहाँ पर एक टैग होता है ये एच टी एम एल क्रिएट करने के लिए। इससे कोई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, एच टी एम एल की चाहे सी एस एस की हो चाहे जावास्क्रिप्ट की हो। जस्ट क्लिक करोगे इसके ऊपर सिंपली इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। इसकी एक्सटेंशन से पहचानते हैं कौन सी ये फाइल की टाइप है, ये एच टी एम एल है सी एस एस है क्या, ये मैं बताऊंगा आपको भी। ये एक एच टी एम एल की फाइल है जो कि हमारी यहाँ पर बन चुकी है। ये एच टी एम एल फाइल बन चुकी है, मैं इसको ओपन करता हूँ डबल क्लिक करके। ये ओपन हो गई है, ठीक है। तो इसके अंदर एच टी एम एल टाइप करने के लिए ये एच टी एम एल का टैग होता है और एच टी एम एल के अंदर आप बॉडी टैग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये बॉडी टैग हो गया। अब एच टी एम एल और सी एस एस का आपको पता कैसे लगा कौन सी फाइल किसके लिए है। अब सिंपली हमने यहाँ पे एच टी एम एल की फाइल क्रिएट कर ली, अब सी एस एस की फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम सपोज हमने कस्टम डॉट सी एस एस ये क्रिएट कर लिया। तो मैंने तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन यूज की हुई है, इसलिए यहाँ पे बता रहा है कि ये एच टी एम एल की फाइल है और यहाँ पर सी एस एस की फाइल है, ठीक है। तो आप देखो जैसे आप पहचान पा रहे होगे डॉट सी एस एस है और ये डॉट एच टी एम एल है। तो उसके नाम से पता लगा आपको ये एच टी एम एल की फाइल है और ये सी एस एस की फाइल है। इसको कैसे यूज करना है और कैसे इनको आपस में कनेक्ट करना है वो भी हम सीखेंगे। तो पहले देख लेते हैं एच टी एम एल के लिए। तो एच टी एम एल में सिंपली क्या होता है, टैग्स यूज होते हैं, एलिमेंट यूज होते हैं, जैसे कि मैंने अपनी वीडियो पर पुरान डाली हुई है, इसमें सब बताया हुआ है उसमें। नहीं तो मैं आपको उसमें अपनी प्ले डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा आपको, मैं प्ले लिस्ट है पूरी उसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो इसमें सिंपली टैग यूज होते हैं, जैसे मेन टैग होता है एच टी एम एल का, ठीक है। ये स्टार्टिंग टैग हो गया, ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग हो गया। ऐसी बॉडी का टैग होता है, जितने भी टैग स्टार्ट होंगे हमारे उतने ही टैग हमारे एंड भी होते हैं। तो मेन टैग होता है हमारा एच टी एम एल, देन उसके अंदर होता है हेड टैग जो कि स्टार्ट भी होता है और एंड भी होता है, और वैसे ही हमारा होता है बॉडी टैग। तो जो भी हमें काम करना होता है वो सारा बॉडी के अंदर करना होता है जो कि दिखने वाला होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको टाइप कर दिखाऊंगा, जस्ट हमने टाइप किया एच वन, तो दिस इज हेडिंग वन। मैंने इसको जस्ट सेव किया, ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक बिंदु आ रहा है, तो इससे पता चल रहा है ये फाइल सेव नहीं हुई है। मैंने कंट्रोल एस पे क्लिक किया या फिर यहाँ से जाके फाइल में सेव कर दिया इसको कंट्रोल एस करके। शॉर्ट कमांड भी होती है इसकी, आप यूज़ कर सकते हो उसको। अब मैं यहाँ पर जाके चेक करूँगा रिफ्रेश करके, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी हेडिंग वन आ गई है। तो ये क्या हेडिंग वन है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर टैग्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने एच वन यूज किया तो आप एच टू भी यूज कर सकते हो इसके अंदर, यहाँ पर हेडिंग टू, या फिर आप इसके अंदर यहाँ पर पी टैग भी यूज कर सकते हो, दिस इज पैराग्राफ। सो ये भी आप यूज कर सकते हो। तो इससे पता चलता है ये पैराग्राफ है और ये एच टू है, ये एच वन है। एच वन जो हमारी हेडिंग होती है वो हमारी छह टाइप की होती है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये एच वन है, एच टू है, ऐसी एच थ्री, एच फोर, एच सिक्स होती हैं। तो ये हो गया हमारा एच टी एम एल। एच टी एम एल में हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि कुछ ही मीन्स कोई भी टैग यूज कर सकते हैं, जैसे इमेज का हो गया, वीडियो का हो गया, टाइटल का हो गया, डिस्क्रिप्शन का हो गया। तो वो मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊँगा। तो ये सिंपली एक एचटीएमएल होगी, इसमें आपको डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, सिंपली आपको दो तीन टाइप बताऊंगा और इसके बाद मैं आ जाऊँगा सीएसएस पे। सीएसएस में क्या होता है, सीएसएस में तीन टाइप होते हैं सीएसएस के। तो अभी मैं आपको इसमें तीन होते हैं, एक तो होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इनलाइन सीएसएस। तो पहले हम बात करेंगे इनलाइन सीएसएस क्या होती है। जैसे सपोज करो हमारे पास ये तीन टैग हैं, इन तीन टैग में से पहले टैग में हमें कलर करना है। तो हम यहाँ पर जाएंगे और जस्ट यहाँ पर टाइप करेंगे, एक एट्रीब्यूट होता है स्टाइल नाम का, स्टाइल
एट्रीब्यूट कैसे कहते हैं हम? एट्रीब्यूट सिंपली जो हम कुछ भी किसी भी टैग के अंदर कुछ भी लिखते हैं वो एट्रीब्यूट कहलाते हैं। जैसे क्लास हो गया, स्टाइल हो गया, सीएसएस हो गया, वो मैं आने वाली वीडियो में आपको सब बता दूंगा क्या होता है। तो सपोज करो हमने लिखा स्टाइल यहाँ पे, स्टाइल अब कलर कौन सा डालना है इसमें हमें, तो कलर आप रेड ले लो चाहे ब्लू ले लो, कोई भी आप टाइप कर सकते हो। यहाँ पर ये आपने टाइप किया तो इस जो ये लिखा हुआ है इसके अंदर कलर आ जाएगा, करोगे यहाँ पर कलर आ गया, तो इसको बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। इसमें हम कुछ भी देख सकते हैं, इवन बैकग्राउंड भी डाल सकते हैं इसके अंदर हम। अगर कोई बैकग्राउंड डालनी है हमें, बैकग्राउंड कलर डालना है, हम कोई भी कलर यूज कर सकते हैं इसके अंदर। सपोज करो ग्रीन कलर डालना है हमें बैकग्राउंड में, हम ये यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर आ गया, तो ये हो गई इनलाइन सीएसएस। अब हमें इनलाइन सीएसएस नहीं यूज करनी है, हमें यूज करनी है इंटरनल सीएसएस। तो इंटरनल सीएसएस के अंदर क्या होता है, हेड टैग जो होता है, हेड टैग के अंदर आप एक टैग क्रिएट करोगे यहाँ पर स्टाइल। तो स्टाइल के अंदर आप कोई भी क्लास लेके या फिर आईडी लेके यूज कर सकते हो। यहाँ पर सपोज करो मैंने ना क्लास ली ना आईडी ली, मुझे एच वन में करना है कलर, तो सिंपल यहाँ पे मैं जो एच वन है उसको टारगेट करके यहाँ पर उसका कलर डाल दूंगा, कलर एक्वा कलर डाल दूंगा उसमें मैं एच वन में। तो एच वन में हमारे एक्वा कलर आएगा, आ गया। इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरनल सीएसएस। इसमें बैकग्राउंड कलर या कुछ भी डाल सकते हैं, व्यूअर की फ़ॉन्ट साइज या कुछ भी जो भी ऐड करना चाहते हैं सीएसएस वो हम ऐड कर सकते हैं। अगर इसी को मैं अगर एच टू में डाल दूँ, एच वन को हटा के, तो एच टू में भी डाल सकता हूँ मैं, एच टू में आ गया कलर। तो इसको बोलते हैं हम इंटरनल सीएसएस। बट लेकिन हमें ना ही तो हमें इंटरनल सीएसएस यूज करनी है, ना ही इनलाइन सीएसएस यूज करनी है। हमें क्या यूज करना है, हमें अलग से सीएसएस यूज करनी है। तो अलग से कैसे यूज करेंगे, अलग से फाइल क्रिएट कर रखी है हमने, ठीक है। अब यहाँ पे हम देंगे बैकग्राउंड, या मान लो अभी हम एच वन में कोई कलर देंगे, इसमें एच वन में कलर देंगे यहाँ पर। सपोज करो हमने रेड कलर दिया है यहाँ पर, तो ये रेड कलर वहाँ पर आना चाहिए। रिफ्रेश करेंगे, नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने इस फाइल को उससे अटैच नहीं किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फाइल को इससे अटैच करेंगे, तो हेडर के अंदर अटैच करते हैं। अटैच करने का टैग ये होता है लिंक HREF, एच आर ई एफ में आप यहाँ पर कस्टम डॉट सी एस एस, ठीक है। इसका टाइप डिफाइन कर दोगे, टाइप क्या है तो स्टाइल शीट है, ये टाइप करके आप यहाँ पर रिफ्रेश करोगे, लिंक क्यों नहीं आ रहा है, ये डॉट सी एस एस टेक्सचर कलर। दुनिया है कोई मिस्टेक हुई है, मे बी चेक कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं क्यों नहीं आ रहा है, इसमें कोई मिस्टेक हुई आई थिंक। कलर सेट सिंपली हमने इसको ऐड कर दिया है लिंक HREF लगा के, ऐसे ही ऐड करते हैं इसको। आई थिंक रेल नहीं डालता मैंने, यस। सो रेल इज मैंडेटरी फील्ड टू अटैच द सीएसएस। सीएसएस अटैच करने के लिए आपको रेल टाइप डिफाइन करता है, रेल मतलब रेलिवेंट क्या है, तो यह है स्टाइल सीट। तो देख रहे हो आप H1 का कलर आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर हम कोई भी कलर डाल सकते हैं। सपोज करो यहाँ पे H2 का कलर भी डालना है, तो यहाँ पर हम H2 लिखेंगे और यहाँ पर कलर कोई भी ऐड कर देंगे। लाइक हमें ब्लू कलर ऐड करना है या ब्राउन कलर ऐड करना है, तो ब्राउन कलर ऐड कर देंगे। और यहाँ पर P टैग में भी कलर ऐड करना है, तो P टैग में भी कलर ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम P टैग में कलर डाल देंगे, यहाँ पर कोई भी कलर डाल दो, ठीक है। एक कॉलर कलर डालना है तो कॉलर डाल दें पर P टैग में। तो तीन में डिफरेंट कलर आ चुका है, जो कि हमारी एक्सटर्नल सीएसएस से आ रहा है। तो अभी आप समझ चुके होंगे सीएसएस क्या होती है और एचटीएमएल क्या होता है। तो एचटीएमएल सिंपल हमारा ये क्रिएट करने के लिए होता है। यहाँ पे आप इमेज भी डाल सकते हो, हेडिंग टैग भी डाल सकते हो, मतलब जो भी आप एलिमेंट यूज करते हो। एलिमेंट के बिना तो आपका ये बनेगा ही नहीं पेज, वेब पेज। एलिमेंट तो आपको यूज ही करने होंगे, और उसके बाद अगर आपको इसमें कोई कलर डालना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको सीएसएस यूज करनी होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अभी आपको पता चल गया HTML और CSS में डिफरेंट क्या होता है, और मेन चीज़ आपकी ये होती है, यहाँ से आप पता कर सकते हो एक्सटेंशन से। डॉट HTML है तो ये HTML की फाइल है, डॉट CSS है तो ये CSS की फाइल है।
और इसको अटैच कैसे करना है मैंने आपको बताई दिया है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चैनल है, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय बाय।